पद्म पलाश लोचन को देखुचंती आपण माने तांकु से दर्शन करने मध्यम आमे तांकु प्रार्थना करिवा एवं से प्रार्थना द्वारा आम मुक्ति हेब जोटि की दीनबंधो दया सिंधो नीलाचलपते हरे अद्य जन्मदिन नाथ पावनम जायते तव तस्मात्तम तीर्थपानी कोपी पुण्याभिवर्धन सुवासी करै सारे स्तवाज्ञम परिपालयन आपणकर से ही जो दृश्यमान जो चंद्र सूर्य नेत्र द्वय को आम दर्शन करी मुक्ति लाभ करू प्रभु आपणकर करुणा पात्र हो प्रभु आपण सहित आमर जो चक्षुर मिलन जो भाक्तिक संदर्भ एवं भाक्तिक परिवेश रे आमे आपणकर केवल से ही कथा को कहवापी आपणकर भाव को हृदय तोली धरवापी आमको प्रभु शक्ति दियंतु एवं से ही सुभाषित जल रे आपण स्नान करी समस्त जगत को सुभाषितमय करंतु समस्त आर्द्रर से ही भक्तिर अपरूप सिंचन रे आप समस्त द्रवीभूत करंतु एवं चंदन द्रव्य जलेन स्नापयामी मुहुर्मुहु जगदीश नमस्तेस्तु यपराधम क्षमस्वमे जदि कौनसी अपराध प्रभु आम करिछु आपणक जल लागि समय रे ताहले प्रभु आपणक गुणगान करिवारे आपणकर से दृश्य को वर्णना करिवारे आपण समस्त अपराध को क्षमा प्रदान करंतु एहिभली भाव रे आमे आमर भक्ति को महाप्रभु को पाखरे अर्पण करिवा पई भगवानकर एही वाणी को आपण मानक आगर आमे टेकी दउछु बलभद्र मध्य महाप्रभुंकर बड़ भाई बड़ ठाकुर बलभद्र बड़वाड़ सामंत से मध्य आमे किभली भाव में स्नान जात्रे आमे देखी था नमस्कार पूर्वक आम आशीष भिक्षा करू बलदेव नमस्तेस्तु रेवती प्राणबल्लव आविर्भाव दिनांतेद्य स्नापयामी अहम अम्भसा आपण को आज आविर्भाव दिन में आम जल रे जो स्नान कर जो भक्त मैंने सेवक मैंने आपण मान जल स्नान कर 108 सुभाषित जल से आपण समस्त से ही कृपा बार बारे आपण निजर कृपा को सिंचन करंतु सुभाषित जलरु अल्प टिके जदि किए कणिकाए मध्य पाई जाए तहार मुक्तिर मार्ग सुलभ होता है कोटि जन्मर पुण्यर फल से पाई थाए जदि आपणकर से निर्माल्य टिके जदि के कौन प्रकार कार हस्तगत हो जाए जदि टिके भाव ग्रहण करिथाए सुभाषितेन दिव्येन तथैव चंदन द्रव्यैः दत्त्वाज्ञया स्नापयामि जगदानंददायक आपण जो जगत को आनंद दान करिवा पाई जो सुभाषित जल को ग्रहण करिचंती वर्तमान से ही हाथी बेश को देखि आम एत सौंदर्यमय से ही बेश को संदर्शन करी भक्त मान किभलीवा निश्चित भाव रे तांकर से ही मनरु तांकर हृदयरु से कोह किभली भाव दूर न करि पारिबे निश्चित भाव दूर करिबे एते संदेह नाही बड़दाण्डर से अपूर्व दृश्य रंगीन दृश्य जहाँ आमर